हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग मेरे ब्लॉग का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि लगभग एक महीने से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। और मैंने लास्ट ऑर्डर की जो ब्लॉग थी उसमें बताया भी था कि मेरे पास अभी कोई ऑर्डर्स नहीं है, तो हो सकता है अभी ब्लॉग ना आ पाए। और अगले महीने भी मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सीज़न है तो बट थोड़ा बहुत ही है, तो इस वजह से मेरे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है। पर कोई बात नहीं, जब भी आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा, उसके सारे ब्लॉग्स मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। और आज का ब्लॉग है मेरे मेहंदी कंपटीशन का। हाँ फ्रेंड्स, आज मेरा मेहंदी कंपटीशन है, जो कि काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। ना मेरे ऑर्डर्स थे अभी कुछ दिनों से, और ना ही कोई कंपटीशन। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर कोई बात नहीं, आप लोग सब संभाल लोगे, क्योंकि आप लोग हो ना मेरा साथ देने के लिए, मुझे इसी बात की खुशी है। तो और मौसम आज का काफ़ी अच्छा है, बस बारिश ना हो तभी तक अच्छा रहेगा। तो चलो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों से बात करने के लिए मैं छत पे आई थी। और इसकी वजह ये है कि मेरे घर पे किराएदार आ गए हैं, तो उनके सामने मैं कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो पे नहीं बोल पाती, इसलिए मुझे छत पे आके वीडियो बनानी पड़ी। कोई बात नहीं, आज आप लोगों को नया बैकग्राउंड मिल गया, हमेशा वही पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फैशन शो में जाने की तैयारी चल रही है, लगता है सबसे बड़ी ब्राइड तो यही है। रुको, अभी अच्छे से चेहरा दिखाती हूँ, ये है कौन। ऑटो में कभी हेयर स्टाइल होते हुए देखी है आपने? आज देख लो, चेहरा दिखाइए मैम। वैसे आप ड्रेस देखकर पहचान तो गए होंगे कि ये वस्त्र है किसके। बोल दिया, आई मीन टू से दैट कि जो ये लड़की है जो वीडियो बना रही है, वो जो भी कपड़े पहन के वीडियोस बनाती है, वो सारे कपड़े मेरे ही होते हैं। तो क्या मैं इसके एक कपड़े नहीं पहन सकती? आप ही लोग बताइए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्या मैं इसके कपड़े नहीं पहन सकती जब ये मेरे सारे कपड़े पहन लेती है तो। फ्रेंड्स, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे एक शब्द का बदला ये इतनी बड़ी बेइज्जती से ले लेगी। पर कोई बात नहीं, बहन है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, मेरी कैमरा गर्ल है, तो इसके आज की वीडियो के लिए थोड़ा बहुत सहन तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे शर्मा मेहंदी डिजाइनर की बहन के सारे बाल बिखरते हुए हेयर स्टाइल देखिए फ्रेंड्स, क्या हेयर स्टाइल है, न्यू हेयर स्टाइल, एकदम न्यू ट्रेंडिंग। आपके भी मैंने ही किए हैं। और ये है हेयर स्टाइल करने वाली, क्या कहा जाए, हेयर स्टाइल लिस्ट, डुप्लीकेट निश्चित वाली डुप्लीकेट। तो अब आप करना क्या चाह रही हैं मैम, बताएंगी जरा? अब मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी मैम। पूरा भस्का दी यार, भस्का दी, तुमको इतनी भस्का दी, बनाई है मैंने यहाँ दी जल्दी। चलो अब ऐसे चलो, नहीं मेरा कंपटीशन हो जाएगा, तब तक इसकी कंघी बन हो जाए तो हो जाए। 3-5 हो गए, 3-5 हो गए। चल लो यार दीदी, जल्दी मेकअप आर्टिस्ट। चलो ऐसे ऐसे करके एक किधर साइड बना दो, एक किधर साइड, अरे ऐसे बना दो यार। कौन सा चुप रहा है ना दीदी, थोड़ा बोल लेते हैं। कौन सा इसका कंपटीशन है? कंपटीशन तो मेरा है ना। चुप रहा नहीं, वीडियो बन जाएगा तेरा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे से छोटी है, इसको थोड़ा संस्कार दे दीजिए। इनके सामने मैं नहीं बोल पा रही थी, इसलिए छत गई थी बोलने। सो गाइस, जब मैं थोड़ा सा कंघी करवा लूं, तब तक आप मेरी बहन को देखिए कितना चमकती है। मैं थोड़ा अपनी ड्रेस दिखाइएगा मैम। आखिर शर्मा मेहंदी डिजाइनर से पाला पड़ा है। जरा साइड हो, आपके पीछे दिखाती हूँ क्या है। बैकग्राउंड अच्छा बनाना है ना, ऐसे बैकग्राउंड आपने कभी देखा है? नहीं देखा है ना, तो फिर स्पेशल है। फ्रेंड्स, फाइनली हम दोनों बहनें रेडी हो चुके हैं। बॉटल रख लिया है मैंने, आज की जो मॉडल है उनके लिए विशेष जरूरी है इसे रखना। और आज की मॉडल कौन है, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहो, सब कुछ यही बता दूंगी, तो फिर क्या मजा रह जाएगा। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं।
रंडू बाम। फोटो शूट करवाने के लिए आ चुकी है अच्छा सा बैकग्राउंड देखते हुए। चलो अब कर भी देती हूँ, पकड़ इसको, अब मैं बाल खोलूं थोड़ी सी, तरा लूं, हीरोइन बन जाऊं थोड़ा सा, इसको बाहर रखो। वैसे ज्यादा मेकअप तो मैं करती हूँ पर बाल खोल के थोड़ा सा स्टाइल जरूर मार लेती हूँ। ये है मेरे सपनों का शहर। अच्छा हमको सिखा रही है, तुम मुझसे छोटी है, तुझे ही नहीं सिखाऊंगी। ओहो आज आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपसे छोटी हूँ, सॉरी। सो गाइस यहाँ का इतना अच्छा व्यू है ना कि आप यहाँ पे आराम से आके फोटो शूट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी अच्छी धांसु धांसु फोटो खींच सकते हो। हम भी खींचेंगे, वो आपको वीडियो पे मिल जाएंगी। और ये रहे यहाँ के कलाकार, कहाँ जा रही दिख जाए, भगवान मना ही नहीं ये दीदी का मेकअप हो रहा है यहाँ पे। दीदी हाय कर दो। हेलो हेलो, चलो हाँ बेटा का वक्त। थैंक यू। द नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स कल मैं मेहंदी कंपटीशन में गई तो थी पर वहाँ पे कोई भी मेहंदी कंपटीशन नहीं था। और ये सब जानने के बाद जब मुझे वहाँ मैं गई और जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने कॉल पे बात की कि आप अभी हैं कहाँ और यहाँ पे मुझे मेहंदी कंपटीशन का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ हैं, कब तक स्टार्ट होगा। उन्होंने सीधा मुझे ये बोला कि कॉम्पिटिशन कब का शुरू हो चुका है, आप लेट हो गए हो। और फिर कुछ समय बाद 15 से 20 मिनट बाद जब वो सामने आए और वहां पे मतलब जब मैं अंदर गई तो एक लड़की मेहंदी लगाती हुई मुझे दिख रही थी तो मैंने सर से बोला सर ये लड़की बस मेहंदी लगा रही है और आपके पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि मेहंदी कंपटीशन है अगर तो एक इंसान के साथ तो कॉम्पिटिशन होगा नहीं मेरा, अगर दो ही लोग होंगे तो कॉम्पिटिशन किस हिसाब से हुआ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे शो है। ये बोलकर उन्होंने बात को टाल दिया। मैंने बोला अगर सो है तो आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैं लेट हो गई हूँ, अगर सो है तो भाई मैं किसी भी टाइम पे मेहंदी लगा के दिखा सकती हूँ, वो तो लगा ही रही है और वैसे भी मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ तो मेरी इतनी स्पीड है कि मैं उसके बराबर, अगर उसने एक हाथ बचा रखे हैं तो मैं अपने दोनों हाथ कंप्लीट कर सकती हूँ। पर
उन्होंने इस तरह बोला, फिर मैंने उनसे सामने से बुलवाया कि आपने ऐसा मुझसे क्यों बोला कि मैं लेट हो गई हूँ। बोले कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मतलब सामने से ही बात से मुकर गए। और इतना ज्यादा वहां पे टाइम था नहीं, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स उन्होंने, मतलब और चीजों के जो प्रोग्राम उन्होंने करवाए हुए थे, लाइक ब्राइडल का शो करवाया हुआ था उन्होंने, और भी कुछ करवाया हुआ था, मॉडलिंग का करवाया हुआ था, तो वो सारे मतलब शुरू ही होने वाले थे, इसलिए ना ही उनके पास टाइम था सुनने का मेरी बातें और ना ही मेरे पास टाइम था। मुझे तो इतना ज्यादा बुरा फील हुआ जब मैं वहां पे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि आप लेट हो गए हो। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ कुछ ना कुछ तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद मुझे जो वो एक लड़की मेहंदी लगा रही थी, वो मेरे कॉलेज की ही थी, मैंने उससे पूछा कि तूने कितने पैसे दिए हैं यहाँ आने के, उसने डायरेक्ट बोला 500 रुपए दिए हैं। मैंने उससे 2-3 बार पूछा कि तूने कितने पैसे दिए हैं, एकदम क्लियरली बता, उसने 500 रुपए ही बोला अंत तक। फिर मैंने जब सर से पूछा कि सर आपने मुझसे 1000 और उससे 500 रुपए क्यों लिए हैं, तो उन्होंने सामने से जब बुलवाया कि किसने मुझे 500 रुपए दिए हैं, तो वो लड़की सामने से बदल गई। तो एक चीज तो पता चल गई फ्रेंड्स कि कभी भी अपने नहीं होते हैं, वक्त आने पर वो लोग भी बदल जाते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना करें। और इस फ्रॉड के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, कल जब मैं वहां से आई थी तो मैंने डिसीजन बना लिया था कि अब से मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी कंपटीशन या शो में भाग नहीं लूंगी, ना ही 1 रुपए किसी को दूंगी और ना ही पार्टिसिपेट करूंगी। पर फिर धीरे धीरे जैसे मैंने स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया, तो बहुत सारे लोगों से बात हुई। सबसे बात करने के बाद ये थोड़ा बहुत वो हुआ कि यार जिसको फ्रॉड करना था उसने तो कर लिया, पर मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी में पीछे क्यों हटूं। मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं बनाऊंगी कि मतलब उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया तो अब मैं कभी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी या अपनी लाइफ में कुछ करूंगी ही नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है ना, तो आप लोगों ने भी हो सकता है फ्रॉड होने के बाद ये ऐसा सोचा हो कि अब से मैं कभी कुछ करूंगी ही नहीं, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि जिनको फ्रॉड करना था उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने तो पैसे कमा लिए, पर आप अपनी लाइफ में उनकी वजह से पीछे क्यों हो रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा समझ जाओ, ये करो कि जब तक एकदम क्लियरली पता ना हो कि कहीं पे कोई कंपटीशन हो रहा है, तब तक पार्टिसिपेट ना करो। और एक तो बैनर, सबसे मेन चीज जो मेरी गलती थी, बैनर में ही उनके मेंशन नहीं था कि कोई मेहंदी का शो है कि मेहंदी का कंपटीशन है, वो कुछ भी शो नहीं था। बस मुझे एक वो फ्रेंड के द्वारा, मतलब जो ग्रुप में मैसेज आया हुआ था, उसकी वजह से मैंने उन्हें कॉल किया डायरेक्ट नंबर लेकर, और उन्होंने बोला कि हाँ है कॉम्पिटिशन। मतलब मैंने उनको कॉल भी किया तो तब उन्होंने यही बोला कि हाँ कंपटीशन है। और जब मैं सामने से गई तो मुझे एक तो वो 4 तरह की बातें बोल रहे थे, तो उनकी बात से ही समझ में आ रहा था कि वो कितने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। की बातें हटा देते हैं हम सब। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप कभी भी कोई पार्टिसिपेट करते हो किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि आप लोग मेरी तरह अब जब भी कभी कुछ हो, तो जब तक उस कंपटीशन का बैनर ना देख लो, सबसे फर्स्ट तो आपको बैनर होना चाहिए, सेकंड जब आप उनसे कुछ भी बात करें तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाय चांस आपके साथ कभी कुछ होता है तो आप पब्लिक के सामने, मैं वहां पे स्टेज पे बोलती, पर ना ही मेरे पास कोई सबूत था, और वहां पे की जितनी लड़कियां थी ना वो सारी भी आपस में थोड़ा सा मिली हुई थी, तो मुझे लगा यहाँ पे बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। स्टेज पे जाके बोलूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, और जहाँ पे जनता है सारी इकट्ठे है और मैं अकेली हूँ, तो मुझे ही गलत समझा जाएगा। तो इसलिए वहां पे ना ही मैंने फिर कोई मेहंदी का शो किया, ना कुछ किया, मैं वहां से चुपचाप वापस आ गई। बस आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो बुरा तो बहुत लगा, पर मैं अभी भी जब भी कोई कंपटीशन होगा मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगी, वीडियोस भी बनाऊंगी, किसी की वजह से मैं अपनी लाइफ में पीछे नहीं रहूंगी। और आप लोग भी हमेशा पार्टिसिपेट करो, बस ये है कि थोड़ा संभल कर जब तक कंफर्म ना हो जाए कि वो कंपटीशन वहां पे हो रहा है, जिस चीज का कंपटीशन वो बोल रहे हैं वो कंपटीशन वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंफर्म ना हो जाए। और ये कंफर्म कैसे होगा, एक चीज तो बैनर, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना ही होगा, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजर है तो उन्होंने बनाया ही होगा बैनर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करेंगे ही। सीधी सी बात है कि अगर उन्हें अपना कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर दिखाना है, ज्यादा पब्लिक को लाना है, तो वो बैनर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करेंगे ही। मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो ऑर्गेनाइजर है पर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है,
तो जहां पे वो कंपटीशन करवा रहा है वहां पे तो एक बैनर लगाएगा, इतना तो होगा ना। तो जब तक बैनर ना देख लो कि जिस चीज की कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो उस बैनर में उस चीज का नाम है या नहीं, तब तक पार्टिसिपेट नहीं करना है। सेकंड चीज, किसी की भी बात में भरोसा नहीं करना है, जैसे मैंने कर लिया अपनी कॉलेज की लड़की के ऊपर। हालांकि उसमें 500 रुपए लिखे हुए थे, बट जब मैंने उनसे कॉल में भी बात की थी ना, तो मैंने ये चीज पूछी थी कि मेरी फ्रेंड तो 500 रुपए बोल रही थी और आप कैसे मुझसे 1,000 रुपए बोल रहे हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने गलती से बोला होगा, यहाँ की फीस जो है वो 1,000 रुपए ही है। तो मैंने ये सोच के पेमेंट कर दी कि चलो हो सकता है कि उसने ना जाना समझा हो, इस वजह से वो 500 बोल रही है। पर वहां सब मिला जुली वाला खेल चल रहा था, वो छोड़ो हो गया, पैसे आते जाते रहते हैं, एक बार ही फ्रॉड हो गया, इंसान एक बार की बात सतर्क हो जाता है। तो बाकी आपसे, आप लोग खुश रहिए, पार्टिसिपेट करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और मुझे थोड़ा सा कमेंट में सहानुभूति दे दीजिए, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसके लिए थोड़ा सा दुखी भी हूं मैं। बाकी मैं उसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, किसी के फ्रॉड करने की वजह से मैं अपनी लाइफ में पीछे नहीं रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।